गुड मॉर्निंग, सुबह का 6:30 हो रहा है। हम लोग आराम से उठ जाते हैं, रात को जितना भी लेट सोएं, अब यहाँ पे आके ना आदत सी हो गई है। 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं। मम्मी लगा के आए हैं नीचे झाड़ू पोछा, और लाइट्स ऑन होती है तो उसको बंद कर देते हैं और रात को लाइट्स ऑन कर देते हैं। ये मम्मी का रोज़ का रूटीन होता है। जब नीचे कोई नहीं होता तो ऊपर नीचे मम्मी को जाना ही जाना होता है। जब होता है तभी मम्मी जाते हैं, बट मेरे को भी जाना पड़ता है। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को एक जगह पर अपना सामान ना अच्छा लगता है। ऊपर नीचे बहुत थक जाते हैं, है ना। मेरा सामान कभी कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। मम्मी मुझे बोल रहे हैं मेरी शुगर चेक कर दो, तो आज मम्मी की ना शुगर चेक करनी है। थोड़ा सा ना मुझे शुगर चेक करते हुए डर लगता है कि पता नहीं कितनी शुगर आएगी। और सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे दिल करता है कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। मैं तो उठ भी जाऊँ, मम्मी मुझे डांट देती है 4 बजे उठ के क्या करना है, आराम से 6 बजे उठा कर, क्योंकि अब कौन सा स्कूल जाना है या पढ़ाई करनी है। और मम्मी बोले तेरी उसमें ना मैं भी थोड़ा लेट उठती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी उठ के ऊपर नीचे जो भी मम्मी का काम होता है ना वो करते रहते हैं। मैं बताऊँ, मेरी मम्मी को स्टोर रूम का काम करना, बेटियों का काम करना, खेत का काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मम्मी का 159 शुगर। हाँ जी पेट, आज ना लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद भी करेंगे। लो गर्म पानी ले लो। मेरे बैग में ना ये रूम हमारा है, हम लोग यहाँ पे सोते हैं, मैं, मम्मी या फिर मैं और प्रीति और सिद्धार्थ। तो ना ये वाला मतलब यूजुअली मैं इसी रूम में ही सोती हूँ। यहाँ पे वैसे एसी नहीं लगा हुआ, बट जब हम गर्मियों में आते हैं तब हम दूसरे वाले रूम में सो जाते हैं, फिर नीचे सो जाते हैं। और मैं अपने ना कपड़े इस वाले टोकरे में डाल के रखती हूँ, फिर ना मुझे फटाफट से आसानी रहती है पहनने के लिए। तो ना कुछ कुछ मैं ना समेट रही हूँ, कुछ कुछ मेरे ट्राउज़र हैं, कुछ कुछ गीले थे। और ये सामने से ना इस वाली खिड़की की सबसे खास बात पता क्या है, यहाँ पे ताईजी चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं। तो कभी कभी मम्मी ऊपर से बोल देती मेरे को मक्की की रोटी रख लेना, इतना अच्छा लगता है। और पीछे रज्जू बैठी होती है और बच्चे होते हैं तो उनके साथ दिल लगा रहता है। और ये वाला रूम बहुत रौनक वाला रूम हो गया है। मम्मी बोली जब तू चली जाएगी ना तब मेरे को बड़ा रोना आएगा। मम्मी कहते मैं कहना ऐसा लगता है कि मैं जोर जोर से रहूं, पर फिर ताई वगैरह के साथ ना दिल लग जाता है। और मुझे ना कुछ कपड़े हैं जो कि आने वाले जैसे अभी त्यौहार हैं तो उनके लिए निकाल के मैंने रखने हैं। तो उसको ना हल्का हल्का वॉश करना है, वैसे तो उन कपड़ों को ना ड्राई क्लीन करना होता है, बट मैंने सोचा कि मैं हैंड वॉश ही कर लूँगी। और ये कपड़े ना कुछ कुछ तह लगे हैं और कुछ ना मैं ऐसे समेट के रख लेती हूँ। और 2 बैग मेरे पैक ही हैं जो मैं लेके आई थी पटना से, तो उनको मैंने अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं करा है, क्योंकि जो धोती हूँ और फिर जो मुझे पहनना होता मैं इसी वाले उसमें बास्केट में रख लेती हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ना फिर कुछ मेरे कपड़े नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, तो फिर मुझे बहुत उलझन होती है। इस वजह से फिर मैं ऐसे करके रख लेती हूँ और मैं अपने अटैची को ओपन नहीं करती हूँ। और प्रीति तो मुझे बोलती है कि अलमारी में रख ले सामान, पर मैं नहीं रखती क्योंकि फिर घर भी तो जाना है वापस, कितना दिन इधर रहना है। सामान तो तब रखो ना कि अगर आपको इधर ही रहना हो। ये वाला जो सूट है ना इनको मुझे वॉश करना है, हैंड वॉश। ये ना नई न्यू है तो मुझे ढीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ शायद धो के जो लाइनिंग होती है ना वो श्रिंक हो जाती है, तो मुझे वो साइज़ में आ जाएगा। 2 सूट हैं, एक दोनों येलो कलर के, एक मस्टर्ड है, एक मतलब येलो जो भी आप बोल सकते हैं इसको। ये वाला रूम कितना सुंदर लग रहा है ना, बड़ी रौनक सी लगती है इस रूम में। हम लोग खूब खूब गप्पे मारते हैं,
खूब सारी मस्ती करते हैं इधर बैठ के, तो इसको भी मुझे वॉश करना है। मुझे आ रहा है ऐसे ऊपर से पता चली जाता है, और इसका दुपट्टा देखो कितना प्यारा है। मैंने कहा दो सूट रख लेती हूँ, और आज ना शाम को सामने हमारे ना जागरण है और कल फंक्शन है, मैं तो नहीं जाऊँगी और बाकी सब लोग जाएंगे। सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। बट जो सूट मैंने करवा चौथ पे पहने थे ना वो बहुत मस्त थे, और स्पेशली ब्लैक वाला नहीं जो मैं एक न्यू कुर्ता लेके आई थी अभी जब हम गए थे वी आर पंजाब मॉल, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फिर से मन है उसको एक बार पहनने का। उसके बाद हम लोगों ने कर दी चाय की तैयारी, क्योंकि ये हमारा फेवरेट काम होता है चाय बनाना, और सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है ना जब भाप उड़ती है ऊपर को, गरम गरम सूप, गरम गरम सब्जी, गरम गरम चाय, गरम गरम पानी पीने का दिल करता है। सर्दियों की दस्तक होती है ना मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे सच्ची में सर्दियाँ बहुत पसंद है। और अब तो नवंबर मंथ भी आने वाला है, बस कुछ ही महीने रह गए हैं अक्टूबर के, और अक्टूबर जैसे ही जाएगा ऑलमोस्ट हमारे जो त्यौहार होते हैं वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। बट ठीक है, फिर सर्दियों की दस्तक हो जाती है शुरू, फिर गोभी बनाओ, गर्मा गर्म मटर बनाओ, साग बनाओ, शलगम बनाओ, ज्वार की रोटी के साथ खाओ, बड़ा मज़ा आता है लस्सी के साथ बाहर धूप में बैठ के। लेकिन ना फिर मैं पटना चली जाऊँगी, फिर मम्मी लोग की प्रीति की सबके ऊपर नीचे आँचल दीपू सबकी बहुत याद आएगी। बट ये दस्तूर है यार दुनिया का, इसमें आप क्या ही कर सकते हो। तो ना सरफ में भिगो के रखा, फिर हल्के से हाथों से थोड़ा रब किया, और उसके बाद ना यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है यार। धूप निकली होती है तो गर्मा गर्म धूप भी लगती रहती है, और ठंडे पानी से काम भी हो जाता है, नहीं तो बहुत ठंड लगती है, आगे आगे तो और ठंडा हो जाएगा। हर रोज़ ना कुछ टेम्परेचर डाउन हो ही जाता है, बट सबसे अच्छा तो मुझे ना ये ऊपर वाला पोर्शन लगता है, पता है क्यों? क्योंकि बाहर धूप भी मस्त लगती है, हवा भी मस्त लगती है, और सुबह उठ के तो बहुत ही अच्छा पहाड़ियों वाला जो व्यू देखने को मिलता है ना ये बहुत अच्छा लगता है। और ये साथ में आप डब्बे देख रहे हो ना, ये वेरका दही के हैं, आई थिंक शादी के टाइम के होंगे, ये बड़े काम आते हैं। मम्मी ने ना धो धो के इनको रखा हुआ है, तो प्रीति ऊपर को ले आई इसको, कि मैंने कहा यार कुछ ना कुछ बर्तन वर्तन रखने के काम आ जाते हैं, कुछ भी सामान एक्स्ट्रा है उसको रख लो, कुछ स्टोर करना है ना उसको रख सकते हैं, जब तक कैबिनेट नहीं बने हैं ना जो सामान नहीं है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मम्मी को ऐसा बहुत शौक होता है मसाले के डब्बे जैसे बच जाते हैं, जैम का डब्बा, अचार का डब्बा, तो मम्मी उसको ना धो के सुखा के रख लेती हैं, जैसे देसी घी के डब्बे होते हैं सबको संभाल के रखती हैं। मैं भी ऐसे करती होती थी, बट अब तो जैसे मेरा खुद का लाइक प्रॉपर हम लोग सेट हो गए ना, तो अब मैं उतना नहीं करती, बट मम्मी तो बहुत करती हैं, और मम्मी ने हर चीज़ संभाल के रखी हुई। तो आज तो मम्मी नीचे ही चले गए सुबह से ही, मम्मी बोल रही कि मैं ना कुछ अपना सामान समेटूंगी, कुछ कुछ चीज़ें अपनी रखूँगी, कुछ कुछ जैसे स्टोर में सामान है ना, बर्तन कपड़े अटैची, तो उनको संभाल के मम्मी ने रखना है। मम्मी ना स्टोर रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से ना ये देखो हमको कितनी प्यारी प्यारी थालियाँ मिली। मम्मी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ये देखो ये भी ना ये ड्राई फ्रूट वाली थी, तो हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरी करवा चौथ की थाली है, मैंने इसको थोड़ा सा ना सूखे और गीले कपड़े के साथ साफ करके रख दिया, मेरे को पहले मिली नहीं तो इस बार मैंने नई थाली ली, तो कितनी सुंदर इतनी भारी थाली है ये, और ये मुझे लगता है किसी चीज़ का है। तो आज हमने सोचा कि हम थोड़ी बहुत इधर वाले स्टोर रूम की सफाई कर लेते, इसमें इतना सामान मिल रहा है। ये मम्मी के बर्तन है, ये ट्रंक मम्मी का है जो कि आजकल के ज़माने में बहुत कम कहीं कहीं जगह आपको देखने को मिलती है। बना रही है ऊपर ब्रेकफास्ट, मम्मी की आवाज़ लगा रही है, तो मैं तो बनाऊंगी अपना शाम को,
बर्तन हाँ से कुछ भी ढकने के काम आ सकता है। लोड पे भी बेच दूंगे ये नहीं चाहिए। मम्मी अपने बर्तन को बेचना नहीं चाहते, मम्मी से बोलती है कि उसको इस्तेमाल कर ले, जो भी जिसको चाहिए वो ले लो। मैं मम्मी को बोली मम्मी जब मैं हिमाचल में इधर घर बनाऊंगी ना तब आप अपना सामान मेरे को दे देना सारा, क्योंकि कुछ कुछ बर्तन ऐसे है ना सब आधुनिक दौर आ गया तो आधुनिक चीजें आ गई है। मेरे डैडी का डब्बा कितना मम्मी आपको याद है हम तीनों स्कूल को लेके जाते थे, ले जाते थे कभी कभी रोटी सब्जी ले आनी हो। ये मेरे पापा का टिफिन है और ये हम तीनों ने इतना यूज किया है। या मतलब मैं पटना को कैसे लेके जाऊँ सामान, मम्मी को यहाँ पे ना एक्चुअली कुछ सामान स्टोर में सब ऐसा रखा है जो बेचने वाला है, तो मम्मी को बेचने का कुछ भी मन नहीं करता। लेकिन अब ये कि मतलब कुछ कुछ चीजें तो रखी हैं सब ने, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे यहाँ से खराब हो गया तो उसको बेचने को बोलते हैं, तो मम्मी रोने लग पड़ती है कि नहीं मेरे को बेचना नहीं। बट बहुत ज्यादा सामान हो गया यार, कुछ कुछ तो प्रीति भी ले गई है ऊपर को, कुछ नीचे भी है, बट उसके बाद भी बहुत सारा है, तो मेरे को लगता है मेरे हिस्से का है, तो मैं इसको कैसे लेके जा सकते हैं यार पटना को। एक तो चाय वाला, तो आप इतने बर्तन क्यों बनाते हो फिर? मेरी हेरू का भी एक को सहज है, एक को सहज है। ये है नानी का नाम कश्मीरी लाल शर्मा। मम्मी आपको किसने दिए दो गिलास? चने की सब्जी को लगा दिया तड़का, आटा गूंद दिया, मम्मी बनाएगी रोटी, दूध गर्म कर दिया और किचन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने क्लीन सिंक थोड़ा साफ कर दू, बर्तन भी मैंने मांज दी। अब हम चलते हैं हेल्प को ना साथ में ही जैसे काम करके हटी हल्का हल्का पहुंच दिया तो सही रहता है। अब हम खाना थोड़ी देर में बनाएंगे और ये चाय मम्मी की है जो कि ठंडी हो गई है इधर। मैं थोड़ा ऊपर आ गई थी एक डेढ़ घंटे के लिए, मेरी फ़ोन का बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। देखो अब मेरे सूट भी सूख गए, ऐसे काम करो ना एक एक करके है ना तो दिल भी खुश हो जाता है और बाकी काम भी सही सही चलता है। अब सूट भी मेरे सूख गए, अब जब मुझे इनको पहनना होगा या नहीं भी पहनना है जब भी, तो मेरे पास दो सूट है धुलने का। इनको ये पर्पज़ था, वैसे तो इनको ड्राई क्लीन रेकमेंड करते हैं बट ये मैंने हैंड वॉश से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से धुला है तो ना ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है इसकी लाइनिंग ना, फिर वो पहनने में भी सही रहता है। सब सामान मम्मी को स्टोर रूम से मिला है, ये स्पेगेटी तो मम्मी ने इसको ना फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के यहाँ पर डाल दिया। एक सूट जो कल हमने निकाला था ना उसके साथ की है और ये भी मम्मी के पजामे। मम्मी ये वाला स्वेटर भी अंदर से निकला? नहीं ये वाइट वाला उसमें से। और मम्मी का ये वाला सूट, ये देखो कितना सुंदर सूट है यार, ये वाला बीबा का, ये पूरा का पूरा मिल गया अंदर से। मम्मी पेटी साफ कर रही है। और ये वाली मैक्सी ड्रेस नहीं है मतलब मैक्सी क्या, मम्मी क्या है दिखाओ। कल हमने कपड़े धोए थे, मैं सोच रही हूँ मैं इसको पहन लूँ आंचल का है। मैंने उसको पूछा फोन करके कि मैं पहन लूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पहनने के लिए, और फिर वो बोली थी ऐसा ना एक और भी है आप अलमारी से निकाल लो तो आप पहन सकते हैं, उसने ना मीशो से ऑर्डर करे थे तो मैंने इसको रखना है साइड में, इसके साथ भी मैच हो जाएगा ना इस ट्राउजर के साथ है ना, अच्छा लगेगा पहना हुआ। बाकी मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लगा के रख दूँ, और मैंने ना अभी सुबह से काम ही कर रही थी फिर मैंने थोड़ा सा अपना मैंने सोचा इंस्टाग्राम का देखूँ चेक करके और यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं है अपने चैनल के, तो यार लोग इतना गलत गलत बोल रहे हैं, इतना गलत गलत बोल रहे हैं, मतलब यार पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है बट मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों की मानसिकता कैसी होती है ना, लोग क्या मानसिकता अपनी रखते हैं, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं। मैं समझूँ कि कौन लड़की अपने मायके नहीं जाती मुझे बताना जरा, और अगर मैं अपने मायके जाती हूँ आती हूँ यहाँ पे तभी मैं पौने चार महीने के बाद आई हूँ, और अगर मैं मतलब आई डोंट नो लोगों को क्या चाहिए, मेरे पास मायका ही तो है जाने के लिए और मेरे पास और जगह भी क्या है, तो मैं फिर जाऊँगी भी कहाँ अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी, अब सोचो है ना। और मैं मेरे को बोलते हैं जलती हो उससे तो वैसे वैसे ऐसा सर मुझे नहीं बोलते हैं, जब दीपू रांचल पटना में भी आए थे ना मैंने रांचल ने साथ में बैठ के वीडियो बनाई थी तो वैसे बोलते थे कि नहीं तुमने प्रीति को अलग कर दिया तुम ऐसे, तो बहुत ऐसे तमाम कमेंट्स लोग ना करते रहते हैं, तो मैं सोचूं किसी तरह तो बंदे को आप जीने दो, किसी तरीके से तो आप किसी को मतलब रहने दो, तो आप लोग कहाँ से आते हो और क्या आप लोग चाहते हो ये मुझे, मैंने कमेंट्स एक भी डिलीट नहीं किया ना मैंने हटाया, बहुत बुरा बुरा लोग बोल रहे हैं, ऐसा बुरा
कि यार मतलब मैं किसी से क्यों जलूंगी, है ना। मुझे ना मतलब ऐसा लगता है यार, और देखो ये तो हम तो अपने हैं, है ना, हमारा हम अपने हैं। किसी तीसरे बंदे के साथ भी कुछ हो ना, तब भी बंदा बहुत दुख मनाता है उस चीज़ का। और मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं गई, मैं ना साथ में जाने के लिए बोल रही थी, है ना यार। साथ में जाना ना वैसे बनता भी नहीं है, उन लोग का ही जाने का साथ है, अच्छा लगता कि मैं जाती वहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पूछा, कल भी रोज दिन में 7-8 कॉल मैं कर लेती हूँ, है ना, मेरे जो भी मतलब कॉल होती है वो हो जाती है। तो प्रीति ने कल पूछा भी आंचल को फ़ोन करके, मतलब दी हॉस्पिटल मतलब अंदर पापा के पास ना किसी को जाने के लिए, ऐसे इन्फेक्शन का भी डर है और बहुत ही लिमिटेड लोग जा रहे हैं, वो खुद बहुत सारे लोगों को मना भी कर रही है कि अंदर डर रहता है यार। और ना जो चीज़ किसी के भी साथ होती है ना, अगर मैं वो चीज़ शेयर करती ना, अगर मैं बता देती साथ के साथ क्या हो रहा है, वैसे मेरा कोई राइट नहीं बनता बताने का, बोलने का, जिक्र करने का, है ना। और यूट्यूब ही लाइफ नहीं है, हम 24 आवर कैमरा नहीं लगा कर रखते हैं। अगर मैं बता भी देती ना इनकेस, तब लोग मुझे बोलते तुझे क्या पड़ी थी बताने की, तू कौन होती है बताने, तब लोग ऐसे जीने किसी तरह से आपको जीने नहीं देंगे। कभी कभी मुझे बहुत फील होता है, और कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं तुम उसका ये ले लोगी वो ले लोगी। यहाँ पे मैंने लेना था ना अपना सब कुछ, यहाँ पे मेरे को अपना राइट दिखाना था, मैंने वहाँ पे भी अपना राइट नहीं दिखाया कभी भी, इवन इतने साल हो गए मेरे को। तो ये तो फिर तब क्या ही बोलूँ। और अगर मैंने मेरे ऊपर अगर एहसान है ना अभी, तो माँ का है जिन्होंने मुझे पैदा किया बड़ा किया, क्योंकि पैसा हर चीज़ नहीं कर सकते। और जो भी मेरा करता है ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही करती हूँ, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उसको उसका दुगना चौगुना करके वापस दूँ, और मैंने ऐसा किया भी है। तो मेरे ऊपर ऐसा कुछ किसी का वो है नहीं है, ये दीपू की जीन्स है, पर लोग ना जीन बोलेंगे कि जीन्स, पर लोग ना जीने नहीं देते फिर भी, और तरह तरह की बातें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है यार, खाने पीने का, किसी चीज़ का, पर फिर भी आपको लालची बोलेंगे। लालची होती तो फिर मैं अपने भाई बहनों को सबको साथ में लेके तो नहीं चलती ना, अगर ऐसा ही कुछ होता तो मैं अकेली ही चलती, उनको लेके नहीं चलती। और लोगों का बोलना बनता भी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो लड़की जो कुछ करेगा ही नहीं, लोग उसको बोलेंगे भी क्यों। और मैं सोचती हूँ कि वो जो चंद कमेंट्स है ना, वो अपने घर वालों का क्या हाल करते होंगे जिनके साथ वो लोग रहते हैं ना, कभी मेरी मम्मी को बोलेंगे। और ऐसा नहीं मुझे, मेरे को और आंचल को भी जब हम पटना में थे तो बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे। बाकी मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, और जब अंकल को छुट्टी हो जाएगी, अंकल घर आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने का फिर मतलब ही नहीं है जब हम अंदर नहीं जा सकते। और ऐसे यार मैं हम फोर्स भी नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे जाएं और अंदर जाने का जिद करें, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत डर लगता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि परिवार वालों को ही जाना चाहिए, और बाकी दीपू वहाँ पे है ही, मतलब वहाँ पे है, तो उससे भी बात होगी। उन्होंने भी हमको ये बोला था कि आप आराम से जब छुट्टी हो जाएगी ना फिर आना। यार इस टाइम पे इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है, और हम सब लोग इधर से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिनट मिनट की खबर पूछ रहे हैं, पर जब लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग को ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, थोड़ा सा लगता है यार कौन कौन लोग होंगे ये जो ऐसी चीज़ें करते हैं। प्रियंका को दुख नहीं है, वो ऐसे बन के घूम रही है, मैं तो नहाती भी शाम को ऐसे ही घूम रही हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। कल भी कमेंट्स आ रहे थे, फिर कल मैंने जब व्लॉग डाला अभी भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब मैं ना किसी के बारे में जिक्र करना नहीं चाहती, मैं ये भी नहीं बोलना चाहती थी, बट लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हद पार कर दी, तब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग में बोलती हूँ। मैं तो ऐसा कोई सज धज के घूम भी नहीं रही हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ, ऐसे ही कपड़ों में कंघी भी नहीं कर रही है, सुबह से ऊपर नीचे जो भी मेरे को काम नजर आ रहा है वो मैं कर रही हूँ। और देखो जब तक मम्मी है तब तक ही मैं यहाँ पे आऊँगी। कोई भी लड़की ऐसी होता है ना, जब तक आपके माँ बाप होते हैं आपका मायका में आप आते हो, उसके बाद देखते हैं हम लोग की सबकी कैसी बॉन्डिंग रहती है, या उसके बाद ऑटोमेटिकली ना बहुत कम हो जाता है। मेरा इसलिए कम नहीं हुआ, मम्मियों के बाद भी सब मम्मी के होते हुए भी सबका कम हो जाता है, मेरा इसलिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर मेरे पास मेरा बच्चा होता तो वो स्कूल जा रहा होता अभी, तो शायद मैं आ नहीं पाती इतना, है ना। अब मैं आ जाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊँ तो फिर मैं जाऊँ कहाँ पे यार। कभी तो मेरा भी मन करता है ना मैं अपने गाँव में आऊँ,
अपने लोगों से मिलूं और मैं किसी को भी ना, मतलब तो, मैं एक टाइम गाना गाती हूँ यार, ऐसा मेरा कुछ वो नहीं होता। बिल्कुल सब भी आसपास वाले ये बोलते हैं तुम एक टाइम गाना गाते हो, तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं है। मैं कभी भी किसी पे बोझ नहीं बनती हूँ। मैं अगर कोई मेरे को एक रुपए का कुछ करे ना, मैं उसको चौगुना करके वापस कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, सब मुझे प्यार। हाँ जी हाँ जी, और सामान निकल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, थोड़ा सा सोच लिया करो यार, कभी कभी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। कभी कभी लगता है कि यार, मतलब मेरे को तो ना, मैं जितना भी करूँ, जब से मैं YouTube पे हूँ, मुझे हमेशा नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तब करना पड़ता है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, उनको बोलती नहीं हूँ, लोग मेरी सीधी बात को भी उल्टा ही बनाएंगे। और बट कुछ कुछ है जो मैंने, मम्मी जब लाइव सुनते हैं कुछ ऐसी बात करते हैं, कुछ कुछ मैंने सुना है कि नहीं, मैं बोलती हूँ ना, एक टाइम आता है जब लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई ऐसे चीज़ें हैं। और लोग मुझे बोलते थे अगर मैं बदल जाती ना, जैसे मैं कभी प्रीति का जिक्र ना करूँ या मैं उसका साथ ना दूँ, तो लोग बोलते तुम कैसी बहन हो, और जब दूँ तब उल्टा बोलेंगे, जब मैं नीचे आऊँ तब प्रॉब्लम, नहीं आऊँ तब प्रॉब्लम, ऊपर हूँ तब प्रॉब्लम, पटना में रहूँ तब प्रॉब्लम। बस सभी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। ये उन लोग के कपड़े हैं, इसको मैं उठा के रख देती हूँ, और ये वाला मैं आंचल का जो है पहनूंगी कल या फिर शाम को शावर लेने के बाद, क्योंकि बहुत ही खुला डुला सा है और अच्छा भी लग रहा है। और बाहर वाले जो कपड़े हैं वो ऊपर उठा के लेके जाना है, क्योंकि उनके साथ के जो प्लाजो है वो ऊपर है। मम्मी ने एक और थैला निकाला, टाटा टी प्रीमियम बैग, ये कंबल मम्मी हमारे, और ये मम्मी का सामान, ऊन। यार मुझे ना ऐसा वाला दुपट्टा चाहिए था जब दीपू की शादी, मैं ढूंढ रही थी मम्मी कि ऐसा दुपट्टे के लिए गोटा, ऐसा वाला, मतलब ये सिल्वर कलर का है। मम्मी गोटा ले लो, मैं ले ले यार, इतना सारा सामान लगाना किधर दुपट्टे पे, किला टेलर ला देते हो गोटे। हाँ मुझे बहुत सुंदर लगता है, मुझे पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुराने गाने, पुराना कल्चर, पुरानी मम्मी, पुराने सूटों के स्टाइल, जैसे बीबी पहनती थी ना जेबों वाले, वैसे मस्त का मन करता है। और पुराने वाले कंबल, अच्छा लेने के लिए ऊपर, पता ऊपर लेने नहीं बिछाने, फटिया भी नहीं, बड़ा भी देखा सीता वा नहीं, कितना सोना है, ये तो वाला नहीं है, और क्या धोना। ये ना मम्मी सेंटर सीख रहे थे, तो मम्मी ने ना फ्रॉक बनाया था, ये देखो कितनी छोटी सी फ्रॉक है, कितनी सुंदर लग रही है मम्मी। मम्मी को बहुत अच्छे से सेंटर सिलाई कढ़ाई आती है, एक मन करता है मम्मी को अच्छी वाली मशीन लेके दे दूँ। मम्मी इधर काम करते, मैं लेके दूँ आपको मशीन एक पैरों वाली, ये देखो मम्मी की फिनिशिंग। जब सीख रहे थे तब एक फ्रॉक बना के उन्होंने ऐसे सीखा था, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, पर मेरे को बड़ा मन करता है सेंटर सीखने का। दिखाओ सामान क्या है मम्मी, ये किसी होटल का है, अब्रॉय होटल्स एंड रिजोर्ट, जूता। यार इतना सामान निकल जाता है ना सफाई के समय। मम्मी ने वॉश करके रखी है, हाँ है ना मम, फिर भी मिट्टी निकल रही है इसमें से, बहुत बहुत मिट्टी निकल रहा है। है ना, ये ना डैडी का है ड्रेस, कंडक्टर ड्रेस है। हाँ, लोगों ने ऐसे वाला बैग यूज किया है तो प्लीज मेरे को जरूर बताना, हम स्कूल को लेके जाते थे ये वाला बैग, और ना मम्मी ना उसको बनाते होते थे, और यहाँ पे पॉकेट्स भी लगी होती थी, और बड़ी शर्म आती थी यार ये बैग उठाने में मेरे को, लेकिन अब मुझे नहीं आएगी सच्ची बताऊँ तो। ये बैग लेके ना मैं अब तक, अब मैं जो बोल रहा मॉल जाना मैं लेके जा सकती हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म। कहाँ दिखाना मैं दीपू का बैग,